19 वर्षीय युवक के हत्यारे दो सगे भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरात भगाने की फिराक में थे आरोपी। लड़की से बात करने के शक में तीन लोगों ने छचुरत थाना क्षेत्र के ढोबा गांव में कुल्हाड़ी से हमला कर की थी युवक की निर्मम हत्या। शिवपुरी जिले के छठ थाना क्षेत्र के ढोबा गांव में एक 19 वर्षीय युवक की हत्या कर फरार हुए दो सगे भाइयों को पुलिस ने बुधवार की शाम गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हुए दोनों सगे भाई गुजरात भगाने की फिराक में बिलावा तिराहे पर किसी साधन का इंतजार कर रहे थे, तभी पुलिस ने दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हुई कुल्हाड़ी और लाठी डंडों को भी बरामद कर लिया है। लड़कों से बात करने के शक में हुई थी हत्या। जानकारी के अनुसार 6 मई 2024 की सुबह ठोबा गांव में लड़की से बात करने के शक में गांव के ही बड्ढे उर्फ भरत पुत्र खिंचई कुशवाहा उम्र 42 साल, धनराज पुत्र खिंचई कुशवाहा उम्र 38 साल एवं भरत की पत्नी बोटो बाई ने अरविंद कुशवाहा की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। इस दौरान आरोपियों ने अरविंद कुशवाहा के भाई दीपक और उसकी दादी के साथ भी मारपीट की थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। बीते रोज बुधवार को पुलिस ने भरत और धनराज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी हरिशंकर ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। भोरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।